गाइस गुड मॉर्निंग, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों का खास प्रोग्राम टॉप न्यूज। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी जानकारियाँ और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए फटाफट आप सभी लोगों तक पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों को इंडस्ट्री के साथ जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बड़े फटाफट अंदाज में आपको इस प्रोग्राम के जरिए बता दें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की ये तमाम बड़ी न्यूज़। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिने स्क्रीन का सबसे बड़ा अवार्ड 13वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2018 का आयोजन इस बार दिसंबर में मुंबई में ही किया जाएगा। इसके लिए फिल्मों का रजिस्ट्रेशन आज से यानी 18 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है। लास्ट एंट्री 30 अक्टूबर तक होगी। ये जानकारी भोजपुरी फिल्म अवार्ड कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस बार भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में होगा। इसमें 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक रिलीज होने वाली फिल्मों की एंट्री होगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इस बार भी ये अवार्ड शो कई नई चीजें के साथ आएगा, यानी अवार्ड के साथ एंटरटेनमेंट के फुल डोज के बीच कई चर्चित हस्तियों को फेलिसिटेट किया जाएगा। बता दें कि भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर के साथ शुरू हुआ है। तब इस अवार्ड शो के लिए ना तो स्पॉन्सर सपोर्ट था और ना ही किसी चैनल का सपोर्ट। बावजूद इसके विनोद कुमार गुप्ता ने विपरीत परिस्थितियों में भी भोजपुरी फिल्म अवार्ड को ना सिर्फ सफलतापूर्वक आयोजित किया बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इसे स्थापित भी किया। इसमें विनोद कुमार गुप्ता की लगन और दृढ़ता शो ने भोजपुरी सिनेमा के हर बदलाव को देख लिया है, इसलिए दोनों का साथ बहुत पुराना है और यही वजह है कि आज इस अवार्ड शो इंडस्ट्री में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। इस समारोह ने हर साल भोजपुरी फिल्म मेकर को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया है। काजल राघवानी का सोशल मीडिया पर ये गाना देखने को मिला वीडियो सॉन्ग के रूप में, देवी गीत, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। काजल की खूबसूरती सभी का दिल मोह रही है। जब से काजल ने गायकी की शुरुआत की है तब से ऐसी खबर जोरों पर है कि अक्षरा को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन काफी सारी खबरें सोशल मीडिया पर देखने के बावजूद खेसारी के साथ काजल सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों तक छाई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा के साथ खेसारी का गाना 100 में से 90 को धोखा देती है गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है। इसके व्यूज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखकर काजल भी बहुत खुश हैं। इसका एक कारण ये भी है कि दोनों की जोड़ी से बनी फिल्म को सिनेमाघरों में खूब पसंद किया जा रहा है। बस जाते जाते बता दें कि दोनों सुपरहिट हीरोइनों के टकराव से दर्शकों को खूब सारा मनोरंजन मिलने वाला है, ये बात है। लेकिन इसी के साथ देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि किसके साथ आगे खेसारी लगातार फिल्में करना शुरू करते हैं, वो काजल होंगी या अक्षरा, इसका इंतजार अभी सभी को करना होगा। बीते दिन पहले आरा में आइकन क्वीन अक्षरा सिंह और अरविंद अकेला कल्लू ने धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस दी है, जहां दोनों को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई थी। इस शो में कल्लू और अक्षरा के अलावा गोलू राजा भी नजर आए, लेकिन लोगों का ध्यान खींचने में सबसे आगे रहे कल्लू और अक्षरा, क्योंकि इसके पीछे एक खास कारण जो छिपा है आप लोगों से पवन और अक्षरा की नज़दीकियाँ को तो छिपी ही नहीं है, तो वहीं कल्लू भी पवन के काफ़ी करीब हैं। इसलिए जब अक्षरा और पवन का ब्रेकअप हुआ तब से कल्लू भी अक्षरा के साथ दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अचानक से जब ये दोनों स्टेज शो में पहुंचे तो लोगों के मन में खुशी हुई। वेल, दोनों से जुड़ी एक खास बात और ये है कि इस शो में कल्लू ने मजाक में ही अक्षरा पर खूब डोरे डाले हैं। अगर आपको याद हो तो एक शो 3 लोगों का हुआ जिसमें कुछ महीनों पहले ही कल्लू, अक्षरा और पवन सिंह भी नजर आए थे। उस शो में कल्लू ने अक्षरा को अपनी भाभी बता दिया था, तो वहीं भाभी कहने वाले कल्लू ने अक्षरा से गाने के जरिए पूछ लिया कि आपके मांग में सिंदूर क्यों दिखता है, आप मैरिड हैं कि कुमारी हैं। इसका जवाब देते हुए अक्षरा ने कहा था कि नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। तभी मौका देखते ही कल्लू ने अक्षरा को आई लव यू भी कह दिया, जिसका जवाब देते हुए अक्षरा ने कल्लू के दोनों गालों को खींचा और सेम टू यू कह दिया। कल्लू यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो दर्शकों से भी पूछ लिया अक्षरा को बाहों में भरकर कि मेरी और अक्षरा जी की जोड़ी कैसी है। तो कल्लू, ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि आपकी कलाकारी में इतना दम है कि किसी के साथ भी आप अपनी जोड़ी बखूबी बना लेते हैं और लोगों को वो जोड़ी पसंद भी आ जाती है।
बीते दिन पहले आरा में आइकन क्वीन अक्षरा सिंह और अरविंद अकेला कल्लू ने धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस दी है, जहां दोनों को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ देखी गई थी। इस शो में कल्लू और अक्षरा के अलावा गोलू राजा भी नजर आए, लेकिन लोगों का ध्यान खींचने में सबसे आगे रहे कल्लू और अक्षरा, क्योंकि इसके पीछे एक खास कारण जो छिपा है आप लोगों से पवन और अक्षरा की नज़दीकियां को तो छिपी ही नहीं है, तो वहीं कल्लू भी पवन के काफ़ी करीब हैं। इसलिए जब अक्षरा और पवन का ब्रेकअप हुआ तब से कल्लू भी अक्षरा के साथ दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अचानक से जब ये दोनों स्टेज शो में पहुंचे तो लोगों के मन में खुशी हुई। वेल, दोनों से जुड़ी एक खास बात और ये है कि इस शो में कल्लू ने मजाक में ही अक्षरा पर खूब डोरे डाले हैं। अगर आपको याद हो तो एक शो तीन लोगों का हुआ जिसमें कुछ महीनों पहले ही कल्लू, अक्षरा और पवन सिंह भी नजर आए थे। उस शो में कल्लू ने अक्षरा को अपनी भाभी बता दिया था, तो वहीं भाभी कहने वाले कल्लू ने अक्षरा से गाने के जरिए पूछ लिया कि आपके मांग में सिंदूर क्यों दिखता है, आप मैरिड हैं कि कुमारी है। इसका जवाब देते हुए अक्षरा ने कहा था कि नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। तभी मौका देखते ही कल्लू ने अक्षरा को आई लव यू भी कह दिया, जिसका जवाब देते हुए अक्षरा ने कल्लू के दोनों गालों को खींचा और सेम टू यू कह दिया। कल्लू यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो दर्शकों से भी पूछ लिया अक्षरा को बाहों में भरकर कि मेरी और अक्षरा जी की जोड़ी कैसी है। तो कल्लू, ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि आपकी कलाकारी में इतना दम है कि किसी के साथ भी आप अपनी जोड़ी बखूबी बना लेते हैं और लोगों को वो जोड़ी पसंद भी आ जाती है। भोजपुरी सिनेमा की गायकी के सिरमौर और भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की भोजपुरी फिल्म लोहा पहलवान को बिहार झारखंड में दशहरे के शुभ अवसर पर प्रदर्शित किया गया, जिसे बहुत अच्छा ओपनिंग मिला है। इस फिल्म में पवन सिंह के हैरतअंगेज स्टंट और विराट कुश्ती का लोहा दर्शक मान रहे हैं। लोहा पहलवान में पवन सिंह पहली बार पहलवानी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका अभिनय सिने प्रेमियों को बहुत रोमांचित कर रहा है। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ नवोदित अदाकारा पायस पंडित अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत कर रही हैं। भोजपुरी माटी की महक को देश दुनिया में फैलाने के लिए बनाई गई ये फिल्म दर्शकों के मनोरंजन के साथ साथ समाज में संदेश भी देने का कार्य कर रही है। वेल, अभी तक इस फिल्म का शोर कहीं सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन चौथे दिन ने आते आते फिल्मों के पासे पलट रहे हैं। पवन के फैंस तक जैसे ही बात फैली कि पवन की फिल्म रिलीज हुई है तो भारी संख्या में लोग फिल्म को देखने पहुंचे हैं और लोहा पहलवान का जलवा भी बॉक्स ऑफिस पर कायम हो रहा है। बेशक से इस बात की ऑफिशियली कहीं पुष्टि नहीं हुई है कि लोहा पहलवान को कितने सिनेमा सेंटर मिले, लेकिन ये बात तय है कि जितने सिनेमाघरों में फिल्म लगी है सारे शो हाउसफुल पिछले तीन दिनों से चल रहे हैं। वैसे तो हर फिल्मी सितारे कई सारे स्टेज शो हर दिन करते रहते हैं, लेकिन इन शो में से कई शो यादगार लम्हे के तौर पर जाने जाते हैं, दर्शकों के लिए भी और खुद इन स्टारों के लिए भी। एक ऐसा ही यादगार लम्हा रहा खेसारी लाल और सपना चौधरी के स्टेज शो का बिहार में, जहां दोनों को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ बढ़ रही थी। जब से ये दोनों साथ में नजर आए तब से सपना का लगाव भी बिहार से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इसी बीच एक खुशखबरी और है कि ये जोड़ी फिर से आप लोगों को एक साथ स्टेज शेयर करते नजर आने वाली है, जिसका जानकारी हाल ही में दोनों ने खुद लाइव आकर दी है। जी हाँ, खेसारी लाल सहित सपना चौधरी हाल ही में लाइव आए और दोनों ने अपने शो के बारे में बताया है कि आने वाले 1 नवंबर को ये दोनों कई सारे कलाकारों के साथ स्टेज शो करने जा रहे हैं। बलिया महोत्सव में बागी बलिया में दोनों का ये शो होने वाला है। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत हीरोइन आम्रपाली दुबे ने आज अपने इंस्टा पर एक तस्वीर भी शेयर की, जिस तस्वीर में आम्रपाली दुबे भोजपुरी की सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ नजर आई और दोनों ने एक साथ धमाकेदार स्टेज शो किया है। जिस स्टेज शो की फोटो को शेयर करते हुए आम्रपाली ने कैप्शन बॉक्स में लिखा है, लास्ट नाइट शो इन वीरगंज। जी हाँ, इस बार आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव ने बीते दिन वीरगंज में स्टेज शो किया, जिस स्टेज शो की जानकारी देते हुए आम्रपाली दुबे ने अपनी खुशी को जाहिर किया है। ऐसे में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आम्रपाली दुबे इससे पहले भी स्टेज शो खेसारी के साथ कर चुकी हैं और हर बार दोनों स्टार्स के प्रति दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है और इन दोनों के एक साथ के गाने मरद अभी बच्चा वापस दर्शकों का भरपूर प्यार भी उमड़ा और अब लोगों की तरफ से ये उम्मीद किया जा रहा है कि पवन सिंह के साथ आम्रपाली का गाना हिट होने के बाद दोनों ने एक साथ फिल्म साइन की और अब दोनों ने एक साथ फिल्म साइन की तो अब खेसारी के साथ भी आम्रपाली के गाने हिट होने के बाद दर्शकों को ये उम्मीद है कि वो भी खेसारी के साथ फिल्म में काम करेंगे।
भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह के तो लड़के दीवाने हैं, ये बात हर किसी को पता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि जब से अक्षरा सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगिंग करना शुरू किया है, तब से लगता है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अक्षरा की दीवानी हो गई हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टा पर कुछ स्टेज शो की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं, जिन वीडियो और तस्वीरों में अक्षरा सिंह काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके स्टेज शो में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी है। इसी के साथ हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अक्षरा सिंह ने उस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन बॉक्स में लिखा है, थैंक यू फॉर गया, यू वेयर अमेजिंग, कैसे शुक्रिया करो, शब्द कम पड़ गए हैं, बस दिल से नमन है आप सभी लोगों को। लेकिन इस तस्वीर में एक खास बात ये भी है कि बिहार के गया में, जी हाँ, अक्षरा सिंह के स्टेज शो में पहली बार लड़कियों की इतनी भीड़ उमड़ी है। जी हाँ, और अक्षरा सिंह के गाने की दीवानी अब लड़कियां भी हो गई हैं। भोजपुरी सिनेमा की मृगनैनी यानी कि अक्षरा सिंह का कल बिहार के आरा में स्टेज शो हुआ, जिस स्टेज शो में अरविंद अकेला कल्लू भी शामिल हुए। लेकिन इसी के साथ हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि अक्षरा सिंह ने वहाँ खूब गाना गाया और डांस भी किया। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आरा के गांव में पवन का जिक्र ना हो, वो भी अक्षरा के जाने पर। जी हाँ, स्टेज शो के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, जिस वीडियो में अक्षरा सिंह ने दर्शकों से खूब सारी बातें की और वहाँ कहा आरा के लोग जब उनसे कुछ खास बातें पूछने लगे, जिस पर अक्षरा सिंह ने भी कहा कि वो पटना की रहने वाली है लड़की है और वो पटना की शेरनी है। जी हाँ, वैसे तो अक्षरा सिंह इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बोल्ड अंदाज में नज़र आ रही हैं और उन्होंने आरा में भी अपने बोल्ड अंदाज के साथ ही लोगों को इंटरटेन किया और अपने गानों के साथ साथ कल्लू के साथ भी जमकर डांस करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम खबर और जानकारी जो कि सुबह सुबह आप सभी लोगों तक पहुंचानी थी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। फिलहाल दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाज़त, लेकिन हाँ, आप ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया को देखना और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन तब तक बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।